इसीलिए आप जो सरकार बदली है तो अफसरशाही का भी रंग ढंग बदलना चाहिए, सरकार का रंग ढंग बदलना चाहिए। हमें लगता है कि एक किसी ना किसी के कोई बड़ी साजिश तो है, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। सर आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। भाकपा माले के महासचिव दिवांकर भट्टाचार्य कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के सपोर्ट में आए, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले की सरकार थी वो अफसरशाही सरकार थी, अब बिहार में नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, तो अफसरशाही का भी रंग ढंग बदलना चाहिए। और उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मांग की है, जब उनका साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनी है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन होना चाहिए जिसमें सभी अपनी बात को रखेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं दिवांकर भट्टाचार्य, पहले सुनिए उनकी बातों को। जो भी बातें हैं तो अभी तो सरकार, ये जो नई सरकार है एक महीना हुआ है, तो जो भी बातें आ रही है निश्चित तौर पर सरकार के स्तर पर भी ठीक करना होगा, और हमने जो कहा है कि जनता के स्तर पर भी समाज को ये दिखना चाहिए, भरोसा जगना चाहिए। जाहिर सी बात है कि लंबे समय तक नीतीश जी की जो सरकार रही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, उस सरकार की खास पहचान थी कि अफसरशाही के बल पर चलने वाली सरकार। इसीलिए आप जो सरकार बदली है तो अफसरशाही का भी रंग ढंग बदलना चाहिए, सरकार का रंग ढंग बदलना चाहिए, लोगों को ये दिखना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से काम करेगी और पूरे सबसे पहले तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और वो प्रोग्राम लागू हो और नौकरशाही जो है, अफसरशाही जो है, वो सरकार की नीतियों को लागू करने में मदद करे। बैठक कब करने होगी आप महागठबंधन? महागठबंधन की बैठक तो हम नहीं कह सकते, अभी बात चल रही है कि महागठबंधन की जल्दी मीटिंग होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी मीटिंग होगी और जो बिहार की परिस्थिति है, क्योंकि बेगूसराय की घटना या अन्य कई घटना तो वो चिंतित करने वाली घटनाएँ हैं, तो हमें लगता है कि सब लोग परेशान हैं, चिंतित हैं कि मामला है क्या, इस पर ज़रूर बात होगी। और जो हमारा सुझाव था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, तो हम तो फिर इस प्रस्ताव के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन के साथ है, इस बयान के साथ है। नहीं, हमें लगता है कि एक किसी ना किसी के कोई बड़ी साजिश तो है, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। अपराध की बहुत सारी घटनाएँ होती है, भूमि विवाद है, कहीं कहीं किसी चोरी डकैती की घटना, वो सब बात समझ में आती है, लेकिन ये जिस तरह से बेगूसराय में जिस घटना को अंजाम दिया गया और तुरंत फिर उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति करना शुरू की, इससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं उसका कोई इंटरेस्ट है। तो किसका है नहीं है ये बिल्कुल बात सामने आनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और ऐसी तमाम घटना, बेगूसराय की घटना भी है, बड़हरिया की घटना है, इससे पहले हम देख रहे हैं कि दरभंगा में कैसे बुलडोजर चला, अभी कुणाल जी ने सुगोली की बात कही, तो घटनाएं तो कई सारे हैं। और इस पे निश्चित तौर पर जो गरीबों के बास आवास का सवाल है उस पर भी हमें देखना होगा कि गरीब उजारो अभियान बंद हो और आतंक अपराध इस पर रोक लगे। और निश्चित तौर पर जो रोज़गार को लेकर के नौजवानों में बड़ी उम्मीद है, तो रोज़गार की उम्मीद पूरी हो और गरीबों के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस पर सरकार ध्यान दे। दिवांकर जी चलिए मान लिए कि बीजेपी, तो आपने साफ तौर पर सुना कि दिवांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि जो बेगूसराय में मामला हुआ है किसी साजिश के तहत ये कराया गया है। तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पर नेशन के साथ, नमस्कार।